नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के बरनी नगर पंचायत अध्यक्ष निशार वागी ने नगर पंचायत के 11 वार्डों में प्रत्येक घर में दो दो डस्टबिन उपलब्ध कराकर गंदगी से निजात पाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन की जनउपयोगी योजना की शुरुआत की, जिसमें एक सूखा कचरा एक गीला कचरा इकट्ठा करने की सरकार व नगर पंचायत के स्वच्छ भारत मिशन अभियान को मजबूती प्रदान करने की योजना को प्रारंभ किया गया। वहीं डस्टबिन वितरित कर योजना की शुरुआत करते हुए नगर अध्यक्ष निशार वागी ने कहा कि नगर के 11 वार्डों में सभासदों के माध्यम से डस्टबिन वितरण की योजना है, जो अब अंतिम छोर के घरों में वितरण तक जारी रहेगा। इस दौरान निजाम अहमद सभासद, संजय जायसवाल सभासद, जुग्गी राम राही, विनय सिंह, मुकेश सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए विष्णु कुमार की रिपोर्ट। लोगों को डस्टबिन बांटकर क्या संदेश देना चाह रहे हैं अध्यक्ष जी? हमारा बढ़नी का जो नगर पंचायत परिवार है, वो निरंतर इस बात के लिए प्रयास करता रहता है कि भारत सरकार द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाया जाए, उस कार्यक्रम को हम लोग बेहतर परफॉर्मेंस दे के भारत सरकार के कड़ी से कड़ी मिला के उसको आगे बढ़ा के उसको सफल बनाया जाए। स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? माननीय मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए हमारा नगर पंचायत परिवार निरंतर प्रयास कर रहा, और उस प्रयास की कड़ी में हम लोगों ने अभी डस्टबिन डोर टू डोर बांटने का काम शुरू किया है। हम लोगों ने घर घर लोगों को थैला देने का काम किया है। अब आगे हमारी ये व्यवस्था है कि नगर पंचायत के रोड पे घरों द्वारा जो कूड़ा फेंका जाता है, वो कूड़ा ना फेंका जाए। वो कूड़ा हमारे द्वारा, नगर पंचायत द्वारा दिया गया डस्टबिन में, एक गीला कूड़ा गीले में और सूखा कूड़ा सूखे वाले में रखा जाए, और जब नगर पंचायत का कर्मचारी आए तो उसको दे दिया जाए, जिससे हमारा नगर स्वच्छ रहे और बढ़नी स्वस्थ बने। धन्यवाद।